हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन के पहले पाद का 32वां सूत्र, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। और उस सूत्र को पढ़ते हुए कुछ जो आधारभूत चीजें हैं वो हमने जानी, उन 9 अंतरायों और उनके साथ रहने वाले दुख दौर्मनस्य आदि 5 अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वो एक तत्व क्या है? वैसे तो वो एक तत्व का अभ्यास कोई भी हो सकता है। यहां पर लिखा नहीं है कि एक तत्व अर्थात ईश्वर का ही अभ्यास करना चाहिए, बस एक तत्व लिखा है। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है, किसी भी एक तत्व का यदि अभ्यास करेंगे, अर्थात किसी भी एक वस्तु पर यदि ध्यान लगाएंगे, अर्थात मैं यूं कहूं कि एकाग्रता अगर हम लाएंगे अपने मन में, तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक तत्व से कुछ भी हो सकता है। हम अपने शरीर के किसी एक अंग पर ध्यान लगाएं, उसका अभ्यास करें, हम कोई दीपक जला करके जैसे त्राटक आदि करते हैं उसकी लौ पर ध्यान एकाग्र करें, इसे भी एक तत्व का अभ्यास कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां एक तत्व के अभ्यास से अर्थ है ईश्वर तत्व का अभ्यास, वही एक है। ये एक आधारभूत बात है, लेकिन व्यास भाष्य में व्यास जी ने कुछ अलग ही चर्चा शुरू की है, और वो चर्चा हमें थोड़ी सी क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा उसे आपको बड़े सरलता से समझाने का। उस चर्चा से हमें यह भी लगेगा कि ये सूत्र से कैसे जुड़ती है, इसका सूत्र के अर्थ से क्या लेना देना, लेकिन बहुत लेना देना है, क्योंकि भ्रांतियां ही तो हमारे जीवन की बाधाएं हैं। ऊपर जो हम अंतराएं पढ़ करके आए हैं उनमें से एक अंतरा है भ्रांति दर्शन। 9 अंतरायों में एक अंतराय है भ्रांति दर्शन। भ्रांतियां ही हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रही, बल्कि मैं ये कहूं कि जो हम अभी योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान समाधि का प्रयास कर रहे हैं, वो ध्यान समाधि और क्या है, संशयों से हट करके निर्मल ज्ञान को पा लेना, यही तो समाधि है। क्योंकि बिना समाधि के इंद्रियों के माध्यम से हमें अच्छा बुरा सही और गलत दोनों तरह का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन इंद्रियों के जाल से हट करके और सीधे आत्मा से किसी चीज को जानना, विशेषकर ईश्वर को, वहीं तक तो हमें पहुंचना है। यानी कि हम समाधि में भी शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का ही प्रयास करते हैं। तो फिर और कहाँ कहाँ संशयों से हम ग्रसित हैं, हमारे समाज में कहाँ ऐसी बातें प्रचलित हैं जो कि सिद्धांत के विरुद्ध हैं, उनको देखना जरूरी है। आइए देखते हैं। कल हमने देखा महर्षि वेदव्यास जी ने एक चर्चा शुरू की, और चर्चा क्या थी, दूसरी पंक्ति देखिए, व्यास भाष्य की ही दूसरी पंक्ति, यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम चित्तम। यस्य तु, जिसके मत में, जो व्यक्ति प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम चित्तम, अर्थात प्रत्यर्थ नियतम, हर अर्थ के लिए या हर वस्तु के लिए एक अलग चित्त मानता है, प्रत्यय मात्रम हर ज्ञान के लिए एक अलग चित्त मानता है, और क्षणिकम क्षणिक चित्त मानता है, अर्थात चित्त आता है जाता है, हर क्षण में एक नया चित्त बन रहा है और नष्ट हो रहा है, जो क्षणिकवाद को मानते हैं, विशेषकर जो बौद्ध लोग हैं आज के समय में वो क्षणिकवाद को मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षणिकवाद कोई नया विचार है, प्राचीन काल से चला रहा है, जैसे नास्तिकता कोई नया विचार नहीं है। आपको नास्तिकता का विरोध रामायण महाभारत में भी मिल जाएगा, वेद तक में मिल जाएगा कि ईश्वर है, उसे मानिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आजकल के नास्तिक हैं वो वेद से पहले थे, बल्कि चाहे नास्तिकता हो, चाहे क्षणिकवाद हो, चाहे भोगवाद हो, ये सनातन विचार रहे हैं और चलते रहे हैं, शायद चलते रहेंगे आगे तक भी, जब तक मनुष्य रहेगा ऐसा सोचेगा ही सोचेगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि चित्त क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, बनता है सो बिगड़ जाता है,
इसे आप ठीक यूं समझिए कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो बिजली लगातार एक ही बिजली नहीं है, बल्कि एक-एक वेव्स लगातार आ रही हैं, अपना काम कर रही हैं और नष्ट हो रही हैं। फिर पीछे से लगातार दूसरी वेव्स अर्थात दूसरी तरंग आ रही है, अपना काम कर रही है और जा रही है। ऐसे हर क्षण जो हमें विद्युत जलती दिखाई दे रही है वो दरअसल एक ही विद्युत नहीं है, अलग-अलग बिजली है, बस हमें अंतर नहीं पता चल रहा। जैसे एक नदी बह रही हो, नदी का प्रवाह चल रहा है, तो हमें क्या लगता है पानी लगातार बह रहा है और एक ही पानी बह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अलग-अलग जल होता है। पहला जल का कण जो मैंने अभी देखा था वो बहुत आगे जा चुका है, और अभी एक क्षण बाद जो मेरे सामने है वो नया कण है जल का, वही जल नहीं है जो पहले था। जबकि हम देखने क्या दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं, हम किसी नदी को देखकर आते हैं, अच्छा लगता है, फिर हम अपने परिचितों को ले जाते हैं, देखो तुम्हें पानी दिखाते हैं, एक पानी ना बहुत साफ है, गंगा का पानी, तो बोले क्या इसी जल को देखा था? हाँ मैंने ये भाई ये वाला ही पानी देखा था, जबकि बिल्कुल गलत, मैंने पानी कोई और देखा था, वो पानी तो निकल गए अब कई किलोमीटर दूर, अब तो पुराना मतलब पीछे वाला पानी है अब तो। ये नया पानी आ रहा है, पुराना आगे जा रहा है, पर हमें व्यवहार में क्या प्रयोग करने का को मिलता है कि हमने वही पानी देखा जो पहले देखा था, नहीं पानी बदल गया, नदी भी बदल गई अब। तो ऐसा ही कुछ चित्त के बारे में भी लोग मानते हैं कि हमारा शरीर और हमारा चित्त भी हर क्षण बदल रहा है, बदल रहा है तो चित्त नया हो गया, हर क्षण के लिए नया चित्त बन रहा है बिगड़ रहा है, और जब हर क्षण के लिए नया चित्त बन रहा है तो प्रत्यर्थ नियतम, फिर जो मैंने अभी देखा वो मेरे चित्त ने ग्रहण किया, लेकिन जो अगले क्षण मैंने देखा वो नए चित्त ने लिया, पुराना चित्त अपनी जानकारी लेकर के नष्ट हो गया, अब नया चित्त आया है उसने नई जानकारी ली है। अभी मैंने आपसे बात की तो एक नए चित्त ने बात की, अगले क्षण जब बात करूंगा तो नए चित्त से बात करूंगा। प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम, अर्थात हमारा चित्त जो है वो जानकारी मात्र है केवल, मतलब जानकारी ही चित्त है, नई जानकारी आई नष्ट हो गई, आई नष्ट हो गई, प्रत्यय मात्रम और क्षणिकम, एक क्षण के लिए है। कह रहे हैं अगर जो लोग ऐसा मानते हैं तस्य सर्वम एव चित्तम एकाग्रम, उसके लिए तो चित्त पहले से ही एकाग्र है, उसके लिए तो चित्त पहले से ही एकाग्र है, एकाग्र करने की आवश्यकता ही नहीं है चित्त को। क्यों चित्त को आवश्यकता एकाग्र करने की तो तब है ना जब चित्त अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा हो, एक क्षण यहां लगा, दूसरे क्षण यहां, तीसरे क्षण यहां, टिक ही नहीं रहा लगातार 5 मिनट के लिए कहीं पर, लगातार 10-15 मिनट किसी एक विषय के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि चित्त क्षणिक होता है, आया और गया, उसके लिए तो चित्त पहले से ही एकाग्र है, क्योंकि वो चित्त एक ही जानकारी लेता है और नष्ट हो जाता है, तो वो तो पहले से ही बेचारा एक ज्ञान पर टिका हुआ है, उसे तो अवसर ही नहीं मिला कि वो दूसरी वस्तु पर टिक पाए, पहले से ही एकाग्र है। कह रहे हैं न अस्ति एव विक्षिप्तम, उसके लिए तो चित्त विक्षिप्त है ही नहीं। अब इस पंक्ति का गहरा अर्थ क्या है? पंक्ति का गहरा अर्थ ये, जो लोग क्षणिकवादी हैं वो भी योग दर्शन को प्रमाण मानते हैं, गहरी बात है ये, तभी तो महर्षि वेदव्यास जी इस पंक्ति को लिख रहे हैं। अब क्यों लिख रहे हैं इसको समझिए, जो व्यक्ति योग दर्शन के मूल सूत्रों को प्रामाणिक मानता है, यानी कि क्षणिकवादी भी प्रामाणिक मानते हैं और महर्षि वेदव्यास जी भी महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों को बिल्कुल प्रामाणिक मानते हैं, भरोसा करके चलते हैं, दोनों का भरोसा है, इस मामले में कोई मतभेद नहीं है कि महर्षि पतंजलि जी के सूत्र बिल्कुल सही हैं, वेदव्यास जी की दृष्टि में भी, क्षणिकवादियों की दृष्टि में भी। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं अगर क्षणिकवादी लोग चित्त को एक क्षण का मानते हैं तो फिर महर्षि पतंजलि जी का ये सूत्र ही बेकार हो जाएगा, ये सूत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास,
अर्थात एक स्थान पर अपने चित्त को लगाओ। जो लोग क्षणिकवादी हैं और पतंजलि जी के सूत्रों को प्रामाणिक मानते हैं, तो फिर पतंजलि जी ने चित्त को एकाग्र करने की बात क्यों की? क्योंकि चित्त तो पहले से ही एकाग्र है, अगर क्षणिक है तो वृत्तियों को रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा मन पहले से ही एक ही वृत्ति पर टिका हुआ है, तो एकाग्रता बनाने के लिए इतने सारे उपदेश, इतने सारे सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे जब पहले से ही एकाग्र है, भोजन बना रखा है, फिर ये कहना भोजन बनाओ व्यर्थ हो जाता है। पहले से ही चित्त हमारा एकाग्र है, फिर महर्षि पतंजलि जी के सूत्र व्यर्थ हो जाते हैं। और क्षणिकवादी व्यक्ति भी महर्षि पतंजलि जी को बिल्कुल प्रामाणिक मानता है, तो वेद व्यास जी कह रहे हैं अगर पतंजलि जी प्रामाणिक हैं, उनके सूत्र सही हैं, तो क्षणिकवाद सही नहीं हो सकता। क्षणिकवाद ये विचार कि चित्त एक क्षण में आता और चला जाता है, गलत। आगे कहते हैं यदि पुनः इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन अर्थे समाधीयते, और अगर ये माने क्षणिकवादी लोग ऐसा माने कि सर्वतः प्रत्याहृत्य हर जगह से हटा करके चित्त को एकस्मिन अर्थे समाधीयते, एक ही वस्तु में, एक ही अर्थ में समाधिस्थ किया जाता है, समाहित किया जाता है, रोक लिया जाता है, तो चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम न अस्ति, नहीं समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इति, अतः न प्रत्यर्थनीयतम। कि अगर ये मान लें कि चित्त को सब जगह से हटा करके एक अर्थ में लगाया जाता है तब वो एकाग्र होता है, तो इससे फिर वो प्रत्यर्थ नियत नहीं है। अर्थात हर वस्तु के लिए, हर जानकारी के लिए एक अलग चित्त होता है, फिर ऐसा नहीं मानेंगे। यानी कि वेद व्यास जी कह रहे हैं अगर चित्त को क्षणिक मान लिया जाए, प्रत्यर्थ नियत मान लिया जाए, हर वस्तु के लिए एक अलग चित्त है, हर जानकारी के लिए एक अलग चित्त है, तो चित्त पहले से ही एकाग्र है, उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और यदि एकाग्र करना पड़ता है हर जगह से हटा करके तब एकाग्र होता है, तो फिर क्षणिक नहीं है, फिर हर अर्थ के लिए अलग चित्त नहीं है। दोनों में से एक बात मानिए, या तो महर्षि पतंजलि जी के प्रामाणिक सूत्र हैं उन्हें प्रामाणिक मानिए, या अपना क्षणिकवाद चलाइए, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और तर्क इन्होंने दे दिया। आगे कह रहे हैं योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते, तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। अब कह रहे हैं कि चित्त को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी। एक और सवाल अपने ऊपर स्वयं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं मान लीजिए प्रवाह चित्त एक चित्त होता है। कैसे प्रवाह चित्त होता है? तो यूं समझिए जैसे हम हैं, हमारे हाथ में कोई वस्तु है। आपने देखा होगा जिस समय घर बनते हैं तो घर बनाने में जो मजदूर हैं वो काम करते हैं, और वो एक-एक ईंट उठा करके देते जाते हैं। आपने देखा होगा अगर ईंटें कहीं दूर उठा करके ले जानी है तो हर व्यक्ति अपनी 5 ईंटें उठाता है और ले जा करके जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां गिरा देता है। दूसरा व्यक्ति आता है अपनी 5 ईंटें उठाता है और वहां गिरा देता है। तीसरा आता है, चौथा आता है, अपने अपने हिस्से की ईंटें उठा रहे हैं। अब सोचिए, मान लीजिए हर व्यक्ति एक वस्तु उठा रहा है, जैसे सीमेंट की बोरी है, ये उदाहरण भी ले सकते हैं। हर व्यक्ति ने अपनी एक बोरा उठाया, उठा करके डाल दिया, तो हर व्यक्ति के हाथ में कितना बोरा? एक एक बोरा। यानी कि एक व्यक्ति एक बोरी, और हर व्यक्ति के पास एक बोरी, मतलब अलग बोरी, अलग सीमेंट है सबके पास, एक ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं अगर सबके पास अलग अलग है तो सब पहले से ही एकाग्र हैं, एक पर टिके हुए हैं, तो फिर चित्त क्षणिक नहीं है। और अगर हम ये माने कि नहीं एकाग्र होता है चित्त तो वो क्षणिक नहीं है, लेकिन एक नया प्रश्न उठा रहे हैं
प्रश्न ये, जो लोग क्षणिकवाद को मानते हैं वो ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चित्त तो क्षणिक ही है, चित्त तो क्षणिक ही है, आता है और चला जाता है, लेकिन एकाग्र कब होता है? तो क्षणिकवादी कहते हैं देखो पतंजलि जी के सूत्र बेकार नहीं है, अगर पतंजलि जी कह रहे हैं चित्त को एकाग्र करना होता है तो चित्त एकाग्र होता है, कैसे होता है? क्षणिकवाद होते हुए भी चित्त एकाग्र होता है, तो पूछा कैसे होता है? अब देखिए, ईंटों को जगह तक पहुंचाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या? एक व्यक्ति ने ईंट उठाई, दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दी, दूसरे व्यक्ति ने वही तीसरे व्यक्ति के हाथ में दे दी, तीसरे ने चौथे के हाथ में दी, चौथे ने पांचवें के हाथ में दी, पांचवें ने छठे के हाथ में दी, छठे ने सातवें के हाथ में दी, और कुल मिलाकर के 10 लोग बीच में पंक्ति से खड़े हुए हैं, और वो एक ईंट हर हाथ में होती हुई और अपने स्थान तक पहुंच गई। ये भी तरीका होता है ईंटों को पहुंचाने का। तो क्षणिकवादी कह रहे हैं कि नहीं, जब चित्त एकाग्र करने की बात करते हैं ना, तो है तो चित्त क्षणिक है, तो हर वस्तु के लिए हर अर्थ के लिए अलग चित्त, लेकिन जब उन्हीं बहुत सारे चित्त को हम एक ही जानकारी ट्रांसफर करते रहते हैं, मतलब अभी मैं एकांत में बैठा हूं, आंखें बंद है, और मैं एक वस्तु का ध्यान कर रहा हूं, पर जिस वस्तु का मैंने अभी अभी ध्यान किया, जिस चित्त से किया, वो चित्त नष्ट हो गया, नया चित्त आया, उसने अलग वस्तु का ध्यान किया, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जानकारी मैंने अभी वाले चित्त से ली है, पुराना चित्त अपनी जानकारी नए चित्त को देकर चला जाता है, और नया आने वाला उसी पुरानी जानकारी पर टिका रहता है, ये भी नष्ट, नया आया उसी जानकारी को लिया। एक ही जानकारी पहला चित्त दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवें को देता है, पांचवा छठे को देता है, ऐसे 15-20 मिनट, आधे घंटे तक हजारों चित्त नए आते रहते हैं और जाते रहते हैं, पर सबके पास एक ही जानकारी ट्रांसफर होती रहती है, इसे कहते हैं प्रवाह चित्त। जैसे नदी का पानी हर बार नया होता है, लेकिन चल तो एक ही धारा में रहा है ना, ठीक ऐसे ही चित्त आधे घंटे में हजारों चित्त आते हैं और जाते हैं, पर एक ही वस्तु की जानकारी को वो चित्त एक दूसरे को सौंपते चले जाते हैं, ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर ऐसा मान लिया जाए, अगर क्षणिकवादी ये तर्क दें कि देखो इस तरह से चित्त एकाग्र होता है, क्षणिक चित्त होते हुए भी चित्त एकाग्र हो सकता है, कैसे? अगर वो पुराने चित्त की ही जानकारी लेता जाए, लेता जाए, लेता जाए, नई जानकारी ले ही ना। तो कह रहे हैं यदि हमारा जो चित्त है, कौन सा सूत्र, हाँ, अगर सदृश प्रत्यय प्रवाहिण चित्रम एकाग्रम मन्यते, अगर कुछ लोग सदृश प्रत्यय, एक जैसी जानकारी, सदृश माने एक जैसी, प्रत्यय माने जानकारी, अगर एक ही जानकारी के प्रवाह से, प्रवाहेण, प्रवाह से चित्त को एकाग्र मानते हैं कुछ लोग, तो तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म, अगर वो जो एकाग्रता है वो प्रवाह चित्त का धर्म है, प्रवाह चित्त आ रहा है, चित्त जा रहा है, पर जानकारी वही ट्रांसफर होती जा रही है, तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, फिर इसका मतलब वो जो प्रवाह चित्त है वो एक तो नहीं है, चित्त तो बहुत सारे हैं, तभी तो प्रवाह माने जाएगा, जब जानकारी ट्रांसफर होती जा रही है उसे आप एकाग्रता कह रहे हैं, तो इसका मतलब चित्त एक तो नहीं है, क्षणिकत्वात्, क्यों? चित्त तो क्षणिक है, और जब चित्त एक है ही नहीं, तो किस चित्त को एकाग्र किया आपने? पहले वाले चित्त को एकाग्र किया कि बाद वाले चित्त को एकाग्र किया? और जब आप ध्यान से उठेंगे आधे घंटे बाद, तब क्या आप कह पाएंगे मैंने अपने चित्त को एकाग्र किया? नहीं, जो चित्त तुम्हारे पास अभी है, जिससे तुम बात कर रहे हो, वो चित्त तो है ही नहीं जो ध्यान के समय में था, वो तो गया, नष्ट हो गया, तो हमने किस चित्त को एकाग्र किया जो है ही नहीं?
लाभ क्या है उसका चित्त को एकाग्र करने का? इसे आप यूं समझिए, आपने जैसे कपड़े धोते हैं और कपड़े धो करके उनको थोड़ा सा नीला रंग देते हैं, सफेद कपड़ों को धोते हैं, धोने के बाद में कपड़े धोए अच्छे से, आपने एक बाल्टी में पानी लिया, नीला रंग मिलाया, उसको घोला, घोल करके पानी डुबोए, तो पानी जो नीला था वो हल्का सा कपड़ों पर रंग आ जाता और कपड़े थोड़े से ठीक दिखाई देते हैं। लेकिन अभी एक बात सोचिए, कोई कहे आपसे कि आप नदी में कपड़े धो रहे हैं, नदी में कपड़े धोए और आपको कपड़ों पर नील लगाना है थोड़ा सा, तो आप क्या करेंगे? नील की डब्बी लेंगे और डब्बी बहते पानी की धार में नील डालेंगे और फिर उसी धार में आप कपड़े डुबोएंगे ताकि नीला रंग कपड़ों पर आ जाए। कितनी बड़ी मूर्खता है ये, क्योंकि जिस पानी में आपने डाला नील, वो तो जब तक कपड़ा उठा करके लाएंगे वो तो 1 किलोमीटर दूर जा चुका होगा, तब तक वो पानी रहेगा ही नहीं, इसलिए उसका लाभ भी नहीं मिलेगा हमें। कोई कितना ही नील क्यों ना डालते रहे, हमने नील डाला, एक ढक्कन डाला और फिर कपड़े उठाए डाले, तब तक तो वो आगे 20 मीटर दूर निकल गया, यानी कि कोई लाभ नहीं है उस नील डालने का, नदी में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे हम कोई फायदा उठा ही नहीं सकते, अगले ही क्षण तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर कुछ लोग ये माने कि चित्त प्रवाह से चल रहा है लगातार, और आधे घंटे तक अगर हमने ध्यान किया तो चित्त आ रहा है जा रहा है, पर अपनी एक ही जानकारी, एक चीज पर टिका हुआ अपनी जानकारी अगले चित्त को ट्रांसफर कर रहा है लगातार, और इसे ही क्षणिकवादी एकाग्रता मान लेते हैं, भैया ये है एकाग्रता बस, तो उस एकाग्रता का लाभ क्या है? जब उठेंगे समाधि से तो जो चित्त हमारे पास होगा वो एकाग्र थोड़ा ही होगा, हमारा पूरा जीवन, पूरी दिनचर्या, अब आधे घंटे 1 घंटे ध्यान में बैठे, बाकी के 23 घंटे तो हमारे पास वो चित्त ही नहीं है जो एकाग्र था, किस काम का फिर लाभ क्या हुआ? ये तो ऐसा ही हुआ कि हमने नील थोड़े से पानी में डाला और डालने के लिए जब उसका उपयोग करना चाहा तो उपयोग करने के लिए वो है ही नहीं, कि हम जागने के बाद उस एकाग्र किए हुए चित्त का कुछ उपयोग करना चाहें अपनी जीवनचर्या में, कर ही नहीं सकते, वो है ही नहीं, वो तो गायब हो गया, नष्ट हो गया। तो कह रहे हैं कि जो सदृश प्रत्यय, एक जैसी जानकारी के प्रवाह से, जानकारी एक ही है, चित्त नया है, और तब चित्त को एकाग्र मानते हैं, तो उनकी एकाग्रता अगर प्रवाह चित्त का धर्म है, तो एक चित्त तो है ही नहीं, नास्ति एकम प्रवाह चित्तम, वो प्रवाह चित्त भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, हजारों हैं, क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। और आगे कह रहे हैं, अथ प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्मः। अगर जो एकाग्रता क्षणिकवादी भी मान रहे हैं एकाग्र चित्त होता है, क्योंकि पतंजलि जी ने कहा है और पतंजलि जी तो माई बाप हैं हमारे, उनकी बात थोड़ी टाल सकते हैं, तो कह रहे हैं अगर वो एकाग्रता प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्मः, अर्थात एक क्षण के लिए चित्त जिस प्रत्यय अर्थात जानकारी पर टिका था और नष्ट हो गया, अगर उस प्रत्यय का धर्म है, ध्यान दीजिए, हजारों चित्त मिलकर के एक ही जानकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे हम एकाग्र मानते हैं, तो खंडन कर ही दिया, तो फिर चित्त एक है ही नहीं और वो हमारे काम का भी नहीं है, फिर उसे तो हटाइए। लेकिन कह रहे हैं कि अगर क्षणिकवादी ये कहें कि एक क्षण के लिए एक चित्त ने प्रवाह का जो अंश है, प्रवाह चल रहा है, नदी बह रही है, और एक अंश का एक ज्ञान आया, एक चित्त ने कोई बात समझी, एक अंश ने केवल, और अगर इस अंश को हम एकाग्रता मान लें, इस प्रत्यय का धर्म ही एकाग्रता है, तो कह रहे हैं सह सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही। फिर आपको ये जवाब देना होगा कि वो जानकारी, एक ही जानकारी आगे तक जाएगी या हर चित्त के पास अलग-अलग जानकारी मानेंगे आप? थोड़ा सा मैं समझता हूं आप शायद उलझ गए हों, इसको थोड़ा सा
सुलझा करके समझते हैं, एक उदाहरण से समझिए। इन्होंने सवाल उठाया, अगर क्षणिकवादी ये कहें कि चलो आपने हमारी पहली बात तो काट दी, लेकिन हम एकाग्रता इस रूप में मानते हैं कि एक क्षण के लिए जो चित्त किसी एक जानकारी को लेकर के आया और नष्ट भले ही हो गया पर एकाग्र तो हुआ, तो बस वही तो एकाग्रता है। तो फिर पूछ रहे हैं कि एक बात बताइए, आधे घंटे के लिए आप एकाग्र हुए, हजारों चित्त आए, हजारों चित्त ने एक ही जानकारी ली एक ही तरह की, और हजारों के हजारों चित्त एकाग्र हो गए, जानकारी सबके पास एक ही थी लेकिन थी एक जैसी थी पर अलग अलग थी। यानी कि मैंने अभी अभी इस मेरे सामने स्क्रीन इसको देखा, अगले क्षण भी मैंने स्क्रीन को ही देखा, पर पहला देखा हुआ अलग था, ये बाद वाला देखा हुआ अलग है। अगर ऐसा मानते हैं तो सवाल ये है, वो जो एकाग्रता है सह सर्वसदृश प्रत्यय प्रवाही, जितने आधे घंटे के ध्यान में हमारे चित्त बनेंगे और बिगड़ेंगे, क्या वो सब में एक जैसी होगी, एक ही जानकारी सबके पास होगी, या विसदृश प्रत्यय प्रवाही, सबके पास अलग जानकारी आप मान रहे हैं? उदाहरण से समझिए, नदी बह रही है, व्यक्ति उसमें नील डालता जा रहा है। अब सोचिए, किसी व्यक्ति ने ढेर सारा नील लाया, बहुत ढेर सारा, ड्रमों भर करके, पूरा ट्रक भर करके रंग लेकर के आया और उसने नदी में रंग डालना शुरू किया। अब सोचिए, अभी रंग डाला, आगे बह गया, फिर रंग डाला, फिर बह गया, फिर बह गया, फिर बह गया, लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे आगे जा करके, जहां जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ आप जा करके देखेंगे तो पूरी नदी नीली दिखाई देगी। अब सवाल ये उठता है कि पानी के हर कण के पास अलग नीला रंग है या एक ही नीला रंग सबके पास है? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा भाई, कि आपके पास हजारों चित्त आधे घंटे के ध्यान में आए और गए, सबके पास एक जैसी जानकारी है, पर ये बताइए वो जानकारी अलग अलग सबके पास है या एक ही जानकारी सबके पास है? जैसे सबके हाथ में एक एक ईंटें, अब हमारे सबके हाथ में फोन होता है, मान लीजिए ये आईफोन है और सबके हाथ में सेम मॉडल का आईफोन है, सवाल ये है एक ही आईफोन सबके हाथ में है या अलग अलग सबके हाथ में है? तो भैया अलग अलग है सबके हाथ में, एक ही नहीं है, और एक ही आईफोन सबके हाथ में होता तो जो अभी मैं किसी को फोन मिलाऊंगा तो सबके फोन से एक साथ कॉल जानी चाहिए, हर व्यक्ति के फोन से कॉल जानी चाहिए एक साथ, नहीं जाती। तो आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि एक ही ज्ञान सबके पास है या अलग अलग है सबके पास। प्रश्न किया, लिखते हैं सदृश प्रत्यय प्रवाही व विसदृश प्रत्यय प्रवाही, और या फिर प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्रम एव इति, और अगर आप दोनों में से जो भी जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे, चाहे आप ये माने कि सबके पास एक ही जानकारी है, तो चित्त पहले से ही एकाग्र है, एकाग्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मत में पुराना वाला चित्त नए चित्त को अपनी जानकारी देकर जाता है, और जब देकर जाता है तभी तो हमें चीजें याद रहती हैं। अभी आएगा एक तर्क आगे कि सोचिए, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, मुझे याद है मैंने क्या पढ़ाया, आपने भी पढ़ लिया, आपको भी याद है क्या पढ़ा था, तभी तो आप कक्षा के बाद प्रश्न पूछ पाते हैं, क्योंकि आपको अभी 15-20 मिनट पहले जो पढ़ा था सुना था वो याद है, लेकिन सवाल ये है वो जो सुना था वो किसी और चित्त ने सुना था, अभी जो मेरा चित्त है उसने नहीं सुना, मतलब क्षणिकवादियों की दृष्टि से कह रहा हूं, आप सब हम लोग क्षणिकवादी नहीं है, लेकिन क्षणिकवादियों की दृष्टि से तो मैंने अभी आधे घंटे पहले जो पढ़ा था वो मेरे किसी दूसरे मन ने पढ़ा था, अभी मेरे पास वो मन है ही नहीं, और जब मेरे पास वो मन नहीं है तो मुझे याद कैसे है? तो क्षणिकवादी कहते हैं पुराना चित्र नए चित्र को अपनी जानकारी देकर जाता है, तो भैया अगर देकर जाता है तो पहले से ही चित्त एकाग्र है,
क्योंकि पुराना चित्त नई चित्त को जानकारी देकर जा रहा है, तो एकाग्र तो है ही ना। और अगर आप ये मानो कि नहीं हर चित्त के पास अलग जानकारी है, तो भी वो पहले से ही एकाग्र है, एकाग्र करने की जरूरत क्या है? इसलिए कह रहे हैं विक्षिप्त चित्ता अनुपपत्ति। अंत में पंक्ति लिखते हैं विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति, चित्त विक्षिप्त होता ही नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। और फिर महर्षि पतंजलि जी का पूरा योग दर्शन बेकार हो जाता है। और तुम महर्षि पतंजलि जी को प्रामाणिक मानते हो, तुम भी उनके भक्त हो, तो भाई या तो महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन सार्थक है ये मान लो, और इसको मानने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि चित्त विक्षिप्त भी होता है, और विक्षिप्त को मानने के लिए आप चित्त को क्षणिक नहीं मान सकते, क्षणिक मानते ही चित्त अपने आप एकाग्र ही हो जाएगा। इसलिए तस्मात एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम, तस्मात इस कारण से एकम चित्त एक है, हजारों नहीं है, तुरंत बनते बिगड़ते नहीं है, तस्मात एकम चित्त एक है। अनेकार्थम अवस्थितम, अनेक चीजों को जानता है, देखता है, सुनता है, अनेक चीजों पर टिका हुआ है, अर्थात विक्षिप्त है, इसलिए चित्त एकम एक है। अनेकार्थम अवस्थितम, अनेक चीजों पर, अनेक जानकारियों पर एक साथ टिका हुआ है, हालांकि क्रम से जाता है, पर देखने में हमें यही लगता है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि नई नई चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, बस टिक नहीं रहा, इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा चित्त एक है और अनेक चीजों पर क्रम से लगातार जल्दी जल्दी जा रहा है, टिक नहीं रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानेंगे, क्षणिकवाद को मानेंगे, तो समस्याएं आ जाएंगी, महर्षि पतंजलि जी का पूरा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा विषय समझने में थोड़ा जटिल था, पर मैं समझता हूँ मैंने थोड़ा प्रयास किया, और आप लोग बुद्धिमान हैं ही, थोड़े से भी जल्दी समझ लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न